भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद आयुष मंत्रालय के लिए हिमाचल से लगातार तीसरी बार डॉक्टर अशोक शर्मा को सदस्य चुना गया है। तीसरी बार सदस्य चुने जाने पर हमीरपुर में डॉक्टर अशोक शर्मा ने प्रदेश के तमाम आयुर्वेदिक चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर अशोक शर्मा को 1016, डॉक्टर दिनेश कुमार को 732, डॉक्टर सुनीत पठानिया को 204 और डॉक्टर वीरेंद्र कौर को 101 वोट पड़े, जबकि 200 वोट रद्द हुए हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश से दूसरी बार कोई नहीं चुना गया था, लेकिन डॉक्टरों ने तीसरी बार भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक क्षेत्र की समस्याओं का निदान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धूमल सरकार के समय में आयुर्वेद के लिए बढ़िया काम हुआ है, लेकिन वर्तमान सरकार कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। अशोक शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में आयुर्वेदिक क्षेत्र में स्थिति खराब बनी है, क्योंकि प्रदेश में स्टाफ की कमी चल रही है तो कई केंद्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमीशन के तहत फार्मासिस्टों की पोस्टों को भरने के लिए काम नहीं किया गया है। ये जो चुनाव हुआ है हिमाचल प्रदेश से भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन में केवल मात्र एक सीट हिमाचल प्रदेश से होती है, जिसमें प्रदेश के सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर डिग्री होल्डर या रजिस्टर्ड जो भी प्रैक्टिशनर हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जितना भी पूरे देश से 80 सीटें आती हैं उनमें 60 इलेक्टेड होते हैं और हिमाचल के हिस्से में सिर्फ एक सीट आती है। पिछले तीसरी टर्म मेरी ये शुरू हुई है, अब जो चुनाव हुआ है जितने भी हिमाचल में आयुर्वेदिक कॉलेज खुलते हैं या आयुर्वेद से संबंधित जितनी भी केंद्र सरकार में योजनाएं जाती हैं या जितने भी सिस्टम में जैसे सिलेबस बनना है, कॉलेजेस की अपग्रेडेशन होनी है या उनमें जो चिकित्सा से संबंधित हैं, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है और अधिकांश इसमें दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र आते हैं और उनमें सबसे ज्यादा चिकित्सा सुविधा अगर कोई उपलब्ध करवाता है तो आयुर्वेद के लोग हैं। हिमाचल प्रदेश की छोटी सी आबादी है और यहां भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही 70 लाख रोगी वार्षिक जो है आयुर्वेद के डॉक्टर देखते हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है प्रदेश की। तो उसका जितना भी सिस्टम दिल्ली से फाइनल होता है, जो भी उसमें पॉलिसीज बनती हैं, उनमें सब में पार्टिसिपेशन इस मेंबर की रहती है और यहां से चुना जाना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि तीसरी बार मैं लगातार, और उससे भी ज्यादा मुझे ये है गर्व की बात के मेरे लिए कि इस प्रदेश से एक बार से दूसरी बार कोई नहीं चुना गया था आज तक। समस्याएं जैसे यहां जितने भी चिकित्सा अधिकारी हैं, क्योंकि मैं यहां पिछली धूमल जी की सरकार में आयुर्वेद का ओएसडी भी रहा हूं 5 साल, तो चिकित्सा अधिकारी जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और जनता को चिकित्सा सुविधाएं जो है देते हैं, तो उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको भी उठाते रहे हम। और माननीय धूमल जी ने काफी आयुर्वेद के डॉक्टरों को प्रोत्साहित भी किया है, उनकी अपॉइंटमेंट्स भी की हैं और जितने आयुर्वेद के इंस्टीट्यूशन थे जो ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देते थे उनकी अपग्रेडेशन जो हुई है, स्तरोन्नत जो किया है, वो भी धूमल जी के टाइम में हुआ है। और ये जो मेरी जीत है इसमें बड़ा मेजर रोल धूमल जी के द्वारा किए गए कार्यों का है। इलेक्शन में 2425 वोट पोल हुए थे टोटल और उसमें से 200 के लगभग रद्द हुए, बाकी जो बचे उसमें से 1016 वोट मुझे मिले। कांग्रेस का तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो अभी एम्प्लाई है, लेकिन वीरभद्र द्वारा मनोनीत किया गया आयुर्वेद विभाग का ओएसडी, जिसको लगातार मैंने तीसरी बार हराया इस बार, और वो 2 बार ओएसडी भी रह चुका है आयुर्वेद विभाग का, वो दूसरे नंबर पे रहा है, 700 कुछ वोट उसको मिले हैं। और तीसरे नंबर पर केवल सिंह पठानिया जी जो प्रेस कारपोरेशन के चेयरमैन है, उनका बड़ा भाई था, तो 300 कुछ वोट उसको मिले हैं। और चौथे नंबर पर एक वीरेंद्र कौर,
उसको 200 वोट मिले हैं।